हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू ज्ञान। तो आज जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका क्लास 12 का जो एक चैप्टर है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसका पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन जो है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे बेसिकली कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वो कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स से अलग है, और साथ ही साथ हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स हम में क्या करते हैं, कैसे सिंप्लीफिकेशन होता है, इसके क्या क्या सेक्टर्स हैं, बेसिकली एक है ना इकोनॉमी के क्या क्या सेक्टर्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, और ग्रेट डिप्रेशन क्या था 1929 का, तो ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहे साथ में लास्ट तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि मैंने कहा कि तो क्या होता है मैक्रो, जैसे मैक्रो मतलब होता है लार्ज, तो इसका जो मैक्रो का इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ है कि हम जो एक लार्ज बेसिस पर हम एक ऊपर से मोटा मोटा जो व्यू उसका लेंगे इकोनॉमी का, मतलब कि हम जो है ऊपर लेवल पर ब्रॉड व्यू हम किसी इकोनॉमी का अगर लेते हैं, उसको पढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो वो हम कहेंगे उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जैसा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कि ये सब समझ में आ रहा आपको, माइक्रो मतलब कि माइक्रो लेवल पर, छोटे लेवल पर उस इकोनॉमी को हम देखें अगर एक बेसिक लेवल पर, तो उस स्टडी को, उस सब्जेक्ट को हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये ब्रॉडली जो डिफिनेशन है, जो डिफरेंसेस हैं, यही है। इससे लेकर और कुछ डिफरेंसेस है जिसको हम आगे देखेंगे, उसके पहले हम समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो पहले हम डिफरेंसेस इसका समझ लेते कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे कैसे, मतलब इकोनॉमिक तो एक छोटा नहीं है, इकोनॉमिक तो जानते हैं आप काफी बड़ा है, ब्रॉड है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो जितने लोगों से हम भी खरीद रहे हैं, हम भी, हमारा भी कुछ सोच है, इकोनॉमिक सोच हमारी होती है, घर में कोई इतना इस पर एक्सपेक्ट करना है, किराने पर इतना करना है, हमें इनकम टैक्स पे इतना देना है, हमें इन्वेस्टमेंट इतना करना है, तो ये इंडिविजुअल भी होती है, कंपनी का अलग होता है, हर लोग का अलग अलग है, जो अलग सेक्टर से आते हैं, अर्बन में अलग है, रूरल में अलग है, इतना जो डाइवर्सिफिकेशन है, इतना जो अलग वैरायटी है, इसको हम कैसे एक ऊपर से हम ब्रॉड व्यू में पढ़ सकते हैं। तो इसको समझने के पहले आपको समझना होगा कि क्या है हम इसमें करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली सिंप्लीफाई करते हैं कि जो हमने देखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपने पढ़ा होगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि इंडिविजुअल की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, हाउस होल्ड क्या सोचता है, उस वो जो कुछ खरीदने जा रहा है या कुछ खर्च कर रहा है या कमा रहा है, तो उसका क्या सोच है। तो ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, इस चीजों को हम सिंप्लीफाई करते हैं एक नेशनल लेवल पर, कि भाई एक नेशनल लेवल पर कैसे हम इकोनॉमी को स्टडी करें, उसको हम मेजर करेंगे। तो इस चीज के लिए क्या किया जाता है कि भाई हम एक सिंगल गुड्स को या फिर एक नंबर ऑफ गुड्स को, कुछ सामान को हम ले लेते हैं, भाई ये जो सामान है इसको हम पढ़ेंगे और इससे हम बाकी चीजों को रिलेट करेंगे। क्योंकि अगर आप इकोनॉमी में देखें तो ऐसा नहीं कि हर सामान जो अलग अलग मूव करता है इकोनॉमी में, अगर एक सामान का दाम बढ़ेगा घटेगा तो जनरली उस सेक्टर में एग्रीकल्चर का सेक्टर है, अगर एग्रीकल्चर उस सामान से, एग्रीकल्चर के सामान से मान लीजिए इंडस्ट्री को इनपुट जा रहा है, तो अगर उस सामान का दाम अगर मान ली कॉटन है आपका, रॉ कॉटन हो गया, तो कॉटन जो किसान जो उगा रहा है, मान ली कॉटन की फसल खराब होती है, उससे जो है वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको भी असर पड़ेगा, उसको इनपुट कम मिलेगा, तो वहां पे भी दाम जो बढ़ेगा कॉटन का एक तरह से, या आउटपुट घटेगा दाम बढ़ेगा, डिमांड सप्लाई का है। उसी तरह से उससे जो है आपका गारमेंट फैक्ट्री बनती, गारमेंट फैक्ट्री उस पर डिपेंडेंट है, जो कपड़े हम पहनते हैं, तो उस तरह से उसका भी प्रोडक्शन घटेगा बढ़ेगा। तो ये चीजें जो है लिंक है इकोनॉमी में, एक क्लोज रिलेशनशिप होती है जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक पहचानते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं उनका यही कारण है कि बस देखना है कि एक चीज दूसरे चीज से कैसे रिलेटेड है इकोनॉमी में, और कैसे जो है हम चीजों को सिंप्लीफाई करके हम पढ़े, ताकि हम अगर हमसे कॉटन का कॉटन को हम देख के हम कैसे जो है उस सेक्टर के इकोनॉमी का हम पता लगा सके कि भाई वो सेक्टर ग्रो करेगा या कम है, उस सेक्टर में कितनी इनपुट की जरूरत है, सरकार को पैसा लगाने की जरूरत है, तो ये सारी चीजें जो है हम इसमें देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है यही चीजें। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्लोज रिलेशनशिप देखते हैं एक दूसरे के साथ चीजों को। तो एक गुड्स को हम लेते हैं, जनरली एक गुड्स नहीं होता, जनरली बहुत सारे सामान होते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं हम और प्राइस और इसे जो भी हम मेजर करना है, तो एक किसी जो रिप्रेजेंटेटिव गुड हमने लिया, जो सामान लिया जिसको हम देख रहे हैं सिंगल गुड को,
उसका हम ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं, प्राइस कैसे उसका चेंज हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, उसका इम्प्लॉयमेंट लेवल अगर मान लीजिए सर्विसेज है या मैनेजमेंट का इम्प्लॉयमेंट लेवल, तो उससे इम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे अफेक्ट कर रहा है, और उस चीजों को हम फिर जनरलाइज करते हैं इकोनॉमी में। तो ये मैक्रो इकोनॉमिस्ट का काम है। तो बहुत बार जो हम तो जैसा मैंने कहा कि बहुत बार हम इंटरडिपेंडेंस देखते हैं दूसरे सेक्टर, जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का मैंने एग्जांपल दिया, तो उस तरह से जो है चीजें जो है हम रिलेट करते हैं कि कैसे वो एग्रीकल्चर सामान और इंडस्ट्री कैसे रिलेटेड है, उस हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक सामान तक मैंने कहा जनरली हम बहुत चीजों में सिंगल सामान से एक सामान से हम उस चीज इकोनॉमी का पता नहीं लगा करते हैं, तो हम एक नंबर ऑफ गुड्स लेते हैं जो कैसे सारे सेक्टर्स को पता है। जैसे कि अगर हमारे पास तीन सेक्टर, हमने एग्रीकल्चर गुड्स हो गया कुछ हमने ले लिया, एग्रीकल्चर से सामान ले लिया, आपका इंडस्ट्री से कुछ सामान ले लिया, कुछ सर्विसेज ले ली, उसको हम लेके हम मिलाते हैं भाई, एक हमने बास्केट बना लिया सामान का, लिस्ट सर्विसेज का या सामान का गुड्स का, और उसका हम देखते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक साल में, दो साल में, छह महीने में, महीने में, कि भाई वो कैसे चेंज हो रहा है, प्राइसेज कैसे चेंज हो रही है, आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है, उस सेक्टर में इम्प्लॉयमेंट कैसे चेंज हो रहा है, बढ़ रहा घट रहा है, तो ये चीजों को हम देख करके इकोनॉमी का अंदाजा लगाते हैं, इकोनॉमी को के बारे में बताते हैं। इसका अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं, एक एग्जांपल जैसे मैं दे रहा हूँ, जैसे इन्फ्लेशन आपका होता है, WPI हो गया आपका, CPI हो गया, ये सारी चीजें क्या है, WPI में क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें भी कुछ नंबर ऑफ कमोडिटीज हम रखते हैं, कुछ सर्विसेज है, कुछ सामान है, कुछ इंडस्ट्रियल सामान है, कुछ एग्रीकल्चर सामान है, ये सारी चीजें क्या है, हमने एक बास्केट बना लिया और हम देखते हैं उसका प्राइस लेवल कैसे अप डाउन हो रहा है। तो उसी बेसिस पर हम कहते हैं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, हो सकता है इसमें मान लीजिए आपका कुछ 600, 700, 800 गुड्स है, मान लीजिए 1000 गुड्स है, तो सिर्फ इकोनॉमी में सिर्फ 1000 गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, इकोनॉमी में होता है 5000 सामान प्रोड्यूस हो रहे होंगे, तो लेकिन हमने सिर्फ 1000 सामान सर्विसेज को लिया और उसको हमने एक बास्केट बनाया, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट सामान है, ये जो है बेसिकली ऐसे सामान है जो हर रोजमर्रा की जिंदगी में लोग ज्यादातर लोगों को अफेक्ट करते हैं, ज्यादातर इंडस्ट्री से कवर हो जाएगी, तो ऐसे सामान को हमने लिया चुना और इसके बेसिस पर हमने इसका मेजरमेंट करते हैं, इसका प्राइस जो है बढ़ा है एक साल में, घटा है, और हम करते हैं इस बेसिस पर कि भाई इस कंट्री में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। इसी तरह से जो है यहाँ इकोनॉमी में भी वही हम करते हैं कि हमने कुछ सामान ले लिए, सामान गुड्स या सर्विसेज हमने ले लिया, उस सर्विसेज को जो मेन सर्विसेज है या जो रिप्रेजेंट करती है पूरी इकोनॉमी को, उसको हमने रख लिया और उस बेसिस पर हमने जो कहा कि भाई इकोनॉमी को हम एनालाइज कर रहे हैं, इकोनॉमी का आउटपुट ये होगा एक साल में, GDP ग्रोथ ये होगा आपका, इम्प्लॉयमेंट लेवल ये है, तो ये सारी चीजें हम बताते हैं। तो ये इकोनॉमी मतलब हमें एक मॉडल तैयार करना है जिस बेसिस पर हम उसको एनालाइज कर सके। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे मैंने कहा कि हम डिफरेंसेस देखेंगे, कुछ डिफरेंसेज होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो इसको हमने एक टेबुलर फॉर्मेट में बनाया है, तो ये मैंने टेबुलर फॉर्मेट में बनाने की कोशिश की इसको माइक्रो और मैक्रो को एक डिफरेंस ताकि आपको आसानी हो समझने। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बेसिकली जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं माइक्रो, तो इसको हम जो इंडिविजुअल लेवल पर हम इस चीज को देखते हैं, अगर हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक डिसीजन को देखें, इंडिविजुअल आपका हो सकता है एक हाउस होल्ड हो गया, घर हो गया, परिवार हो गया, एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो गया, एक सिंगल आदमी भी हो गया, और साथ ही कंपनी को भी हम इंडिविजुअल के तौर पर इसमें देख सकते हैं, एक कंपनी मतलब की एक कंपनी का डिसीजन को हम एक यूनिट ले लिया हमने, अगर उसको हम सिर्फ एनालाइज करें तो हम कहेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो सब्जेक्ट है। इसमें हम इंडिविजुअल को देखते हैं भाई वो जो है कैसे डिसीजन ले रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन ले रहा है, डिसीजन मेकिंग उसका क्या है, और इसमें हम देखते हैं कि वो जो मैक्सिमाइज बेसिकली हम क्या देखते हैं वो कैसे अपना जो उनका इंडिविजुअल डिसीजन क्या होता है कि हम कैसे अपना जो प्रॉफिट है मैक्सिमाइज करें, कंपनी है अगर सेलर है तो वो सोचता है कि हम कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, और अगर हम कंज्यूमर अगर है तो हम सोचते हैं कि कैसे हमारा जो सेटिस्फेक्शन है खाने का, इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन है वो हम कैसे उसको मैक्सिमाइज करें। तो इस चीजों को स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे लेवल पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि भाई हम जो इकोनॉमी को हम देखते हैं एज ए होल जो हम इकोनॉमी को देखते हैं, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, या स्टेट की इकोनॉमी कैसी है, यूपी की, बिहार की इकोनॉमी, एमपी की इकोनॉमी, महाराष्ट्र की इकोनॉमी कैसी है, या मुंबई की इकोनॉमी कैसी है, तो उस चीजों को अगर हम देखें एज ए होल तब हम कहेंगे कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये हमारा सब्जेक्ट है। जैसे कि हमने इन्फ्लेशन स्टडी किया है करना स्टेट का या नेशनल का, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट एक लेवल पर इंडिविजुअल पर नहीं होता है कि भाई इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयड है वो अलग चीज है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम रेट बोले तो हम बोलेंगे कि भाई देश का इतना है, राज्य का इंप्लॉयमेंट रेट इतना है, तो ये जो
सारी चीजें जो है दे वर नॉट वेरिएबल द इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल बाय ऑफ सेलर कुछ चेंज. तो ये ऐसे चीजों को स्टडी किया जाता है इसमें जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन इसको चेंज नहीं कर सकता है, चाहे वो बायर हो प्रोड्यूस इंडिविजुअल कंपनी हो या एक सेलर हो, एक एक बायर हो, जैसे कि घर हो, एक आदमी उसको खरीद के बेच के उस चीजों को चेंज नहीं ला सकता उस चीजों में. ऐसी चीजों को हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. इन्फ्लेशन हो गया आपका, इन्फ्लेशन जो है एक आदमी के या एक कंपनी के सिर्फ पे डिपेंड नहीं करता है, ये बहुत एक इकोनॉमी बड़े लेवल पर ये चेंज होता है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इससे डील करता है बेसिकली इश्यूज लाइक डिमांड एंड सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग. फैक्टर प्राइसिंग हो गया आपका कि जो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हमने जो पैसा दिया, लेबर का चार्ज, वेज रेट हो गया आपका, लैंड का रेंट हो गया आपका, ये सारी चीजें. प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंपनी कितना पैसा रख रही है सामान का, इकोनॉमिक वेलफेयर हो गया, प्रोडक्शन का, तो ये सारी चीजें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं. वही माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमने कहा कि हम एज ए होल इकोनॉमी को देखते हैं, तो उसी तरह से हम उस चीजों को मेजर करते हैं, जैसे नेशनल इनकम क्या है, एक देश का इनकम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल क्या है कंट्री में, इम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, जनरल प्राइस लेवल. हम देखें जनरल हमने जोड़ा है, जनरल प्राइस लेवल मतलब इकोनॉमी में प्राइस जो है मूव कैसे कर रहा है इकोनॉमी में. एक सामान की बात हम नहीं कर रहे हैं, जनरल प्राइस कैसे मूव कर रहा है, मनी सप्लाई कैसी है, ये सारी चीजें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स दिखा रहता है. वही अप्रोच अगर हम देखें कैसे है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच करते हैं, कैसे उस चीज को स्टडी करते हैं, तो बेसिकली ये जो है बॉटम अप अप्रोच है. तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं, बेसिकली इंडिविजुअल को देखते हैं, कंपनी को देखते हैं, इंडिविजुअल कंपनीज को, और उस बेसिस पर हम डिटरमाइन करते हैं इकोनॉमिक बाकी इकोनॉमिक फैक्टर. वही माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उससे उल्टा है बिल्कुल. इसमें हम टॉप डाउन अप्रोच लेते हैं, मतलब ऊपर से हम देख रहे हैं माइक्रो इकोनॉमी का जो रोल, और हम उस बेसिस पर हम डिटरमाइन करते हैं उसका भाई आगे क्या होगा, फ्यूचर कैसी होगी इकोनॉमी की, कंट्री की, कंट्री का ग्रोथ कितना होगा, जीडीपी कितना होगा, ये सारी चीजें. दोनों का यूजेज क्या है, तो बेसिकली यूजेज यही है कि डिफ्लेटिंग प्राइसेज ऑफ प्रोडक्ट, एक सामान का प्रोडक्ट का मतलब प्राइस जो है कंपनी डिसाइड कर सकती है कि भाई कैसे है हमारा सामान, कैसे काम कर रहा है, इस सेक्टर में हमें इस रीजन में सामान को बेचना है कि नहीं बेचना है. अलॉन्ग साइड प्राइसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो गया आपका, लेबर चार्जेज जो होता है आपका, ये वेज रेट हो गया, लैंड का रेंट हो गया, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया आपका, ये सारी चीजें को डिसाइड करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स. और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जैसे हमने कहा कि ब्रॉड लेवल पे हम ये सब चीजें देखते हैं, इम्प्लॉयमेंट इनकम, तो इसी इशू को एड्रेस करने में, इन सारी चीजों को ठीक करने में इकोनॉमी काम आता है. जैसे कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, तब इस चीजों को हम पता करें, तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें कैसे उसको करेक्ट किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको कैसे करेक्ट किया जाए, पॉवर्टी है इकोनॉमी उसको कैसे हम ठीक करें, ये सारी चीजें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं. तो यही डिफरेंसेस जो है कुछ पार्ट में यहाँ दिया गया है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है स्मॉल मतलब एजेंट्स जो है यहाँ पे छोटे एजेंट्स हमको हम देखते हैं, और इंडिविजुअल मार्केट्स को हम देखते हैं, डिमांड सप्लाई का जो प्लेयर्स है इसमें बेसिकली इकोनॉमिक एजेंट्स हम कहते हैं, वो इंडिविजुअल हम यहाँ पे होते हैं, कंपनी होती है सिंगल कंपनी. तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है. माइक्रो इकोनॉमिक्स ने कहा कि वो जो है हाईर लेवल पर है, ब्रॉड लेवल पर हम देखते हैं. एट ऐसे सिचुएशंस फेसिंग द इकोनॉमी एज ए होल, एज ए होल इकोनॉमी को हम देखते हैं कि भाई उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, वहां कैसे इसको एड्रेस करना है. तो ये है एडम स्मिथ का, यहाँ दिया गया, काफी इनको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इसको माना जाता है इनको. इनकी काफी पॉपुलर किताब है ये वेल्थ ऑफ द नेशन, शॉर्ट में इसको वेल्थ ऑफ द नेशन कहा जाता है. पूरी किताब का नाम है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन. तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं इसमें. जैसा मैंने कहा कि हम स्टडी क्यों करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ताकि उसके साथ ही साथ उसमें ये भी पता चल सके कि कैसे उसको हम डील करें प्रॉब्लम को वहाँ की, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है वहाँ पर, अगर जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा नहीं है, इन्फ्लेशन है, तो उसको डील करने के लिए भी पॉलिसी चाहिए. तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि भाई डेटा क्या है, तो हम कैसे डील करेंगे. ये सारी चीजें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एडवांटेज है किसी कंट्री के लिए. तो इसमें देखते हैं क्या क्या मेन पॉइंट है बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि कौन होता है डिसीजन मेकर. डिसीजन मेकर जो है यानी पॉलिसी लेके आनी है, तो ये डिसीजन मेकर कौन है, यहाँ पर स्टेट होता है जनरली माइक्रो इकोनॉमिक्स में. क्या है, क्योंकि हम ब्रॉड लेवल पे देख रहे हैं, स्टेट या गवर्नमेंट जो वहाँ की है, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर आर, जैसे इंडिया के इसमें आपको देश का अगर हम देखें तो आरबीआई है आपका मेन मनी सप्लाई. अगर देखना है हमें इन्फ्लेशन अगर है तो आरबीआई बेसिक थ्रू देखता है. सेबी जो आपका शेयर मार्केट हो गया, सिक्योरिटीज मार्केट जो हो गया आपका, ये म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गया किसी कंपनी में, ये सारी चीजों को जैसे
सीरीज देखता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और भी है जैसे कंपटीशन कमीशन आपका हो गया, स्टेट का आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई आपको, तो ये सारी चीजें जो है आपको इकोनॉमिक डिसीजन लेती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन होता है, इंडिविजुअल होता है आपका, और ये किसके लिए काम करते हैं, मैक्सिमाइजिंग वो पूरा जो है एक कंट्री के लिए काम करते हैं। कंट्री में एक बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल डिसीजन मेकर, इंडिविजुअल डिसीजन मेकर नहीं है इसमें, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करते हैं, कंट्री के लिए क्या इकोनॉमी के लिए क्या डिसीजन होगा वो यहाँ पे लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई व्हाट डू माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर ट्राई टू डू, इनका काम क्या है। तो जैसे कि हमने कहा कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है किसी देश का कि भाई हमें इतना जीडीपी ग्रोथ रेट अगले साल अटेंड करना है, इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना है, पॉवर्टी को हमें नीचे लाना है, एम्प्लॉयमेंट हमें देना लोगों को, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक में लिया जाता है डिसीजन। और जो रिसोर्सेज है प्लानिंग हम पहले होता था हमारे देश में, तो वो जो है कैसे रिसोर्सेज जो है हमारी इकोनॉमी का उसको कैसे यूज किया जाए सही तरीके से, ताकि जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर सके और लोगों को उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सके, उनका वेलफेयर किया जा सके। तो ये बेसिकली पर्पस है किसी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करने का। तो ये तो हमने देखा भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कैसे है। तो उसके बाद हर सब्जेक्ट का जैसे कि इमरजेंस होता है वो ग्रो करता है, वो चीजें आती है मार्केट पहले हम उसको स्टडी करते हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये बेसिकली जो है आपका ग्रेट डिप्रेशन जो है उस समय ये पिक्चर में आया था माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके पहले हम इसको ध्यान नहीं देते थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स करके बस आपका ब्रांच इंपॉर्टेंट नहीं था, तो ये इसका क्रेडिट जो जाता है बेसिकली सेपरेट ब्रांच एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए वो है जॉन मैनार्ड किंग्स को जाता है। इन्होंने किताब पब्लिश की थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936, इन्होंने किताब पब्लिश की थी। ये किताब जो बेसिकली जो जनरल डिप्रेशन था 1929 इकोनॉमिक क्राइसिस एक तरह से था, 1929 आई थिंक वर्ल्ड में सबसे बड़ी क्राइसिस जो है इकोनॉमी में आज तक जो आई है वो सबसे बड़ी क्राइसिस यही है जनरल डिप्रेशन। तो इस क्राइसिस के बाद जो लोगों का नजरिया बदला कि भाई भाई तो पहले लोग सोचते थे कि इकोनॉमी से सोचते थे कि सारे लेबर जो चाहते हैं काम करें उनको काम मिल जाएगा, जो कंपनियां चाहती कि ऑल जो फैक्ट्रीज है वो अपना फुल कैपेसिटी में काम कर रही है, ये सारी थॉट था उस समय सोच थी लोगों की इकोनॉमिस्ट की या लोगों की। तो उसको चेंज किया इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने, उसमें चेंज लाया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, इकोनॉमी जो है लिंक्ड है एक तरह से एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से कैसे लिंक है, और जो है ये जो इकोनॉमिस्ट है आपका ये एक इंडिविजुअल लेवल पर वर्क नहीं करता बल्कि एक जनरल लेवल तक अलग इकोनॉमिक्स होती है। तो जो ग्रेट डिप्रेशन था इसका मैंने कुछ मेन पॉइंट यहाँ पे नोट किया है कि वर्स्ट इकोनॉमिक डाउनफॉल, जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था 2008 में, हमने जैसे देखा है अभी हमने देखे कोविड के समय में, तो उससे भी ज्यादा जो इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस जो इसे कहा जाता है आज तक। जो यूएसए में बेसिकली स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था यूएसए में वॉल स्ट्रीट में, और इसका कारण हमें बताया जा रहा है कि फॉरेन एलिगेटेड डिमांड, क्योंकि लोगों डिमांड है सामान का वो कम हो गया था काफी, क्योंकि लोगों ने कंजम्पशन करना छोड़ दिया था, स्पेंड करना छोड़ दिया था, एंड ओवर इन्वेस्टमेंट जो ज्यादा कर रहे थे कि भाई हम फ्यूचर के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे, अभी हम खर्च नहीं करेंगे। इसके कारण क्या है, लोगों ने खर्च करना अगर बंद कर देंगे तो क्या सामान की ऑब्वियसली बात है सामान की जो सब ये डिमांड है वो कम हो जाएगी। डिमांड अगर कम हो जाएगा तो जो फिनिश गुड जो इंडस्ट्री जो बना रही है उसका वो रखा रह जाएगा उनके पास, वो बिक नहीं पाएगा, और उसके कारण जो उसका लो प्राइस लेवल क्योंकि सामान को खरीदे नहीं, इसलिए इसका यही मतलब है कि लोग जो कंपनी जो उसका दाम घटाना चाहेगी कि भाई कम दामों को खरीद ले, उसका प्राइस लेवल कम होगा, कंसिक्वेंटली लोअर प्रॉफिट लेवल। प्राइस कम होगा तो अभी सी बात है जो प्राइस क्या होता है बेसिकली प्रॉफिट प्लस जो ना इसका कॉस्ट प्राइस होता है वो आपका सेलिंग प्राइस होता है जैसे, तो जो प्रॉफिट लेवल ऑब्वियसली बात है धीरे कम हो जाएगा, इससे जो है इकोनॉमी में डाउनटर्न आएगा, फिर कंपनियां जो प्रॉफिट उसका बैंकरप्ट होगी, कंपनियां जो है प्रॉफिट उनका कम हो जाएगा तो वो इम्प्लॉई को अपना सैलरी नहीं दे पाएगी, वो इम्प्लॉई को निकालेगी, कंपनियां बंद होगी, तो ये सारी चीजें जो है एक के बाद एक जो है रिलेटेड है एक दूसरे से। दो जो बिलीव इन मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पेव द वे फॉर इमर्जेंस ऑफ द कीन्सियन अप्रोच, तो जो मार्केट फोर्सेज जो था जो पहले बिलीव नहीं करते थे उन्होंने फिर इस अप्रोच को जन्म दिया। It was this incident provided economists with sufficient evidence to macroeconomics as a separate branch of economics. तो ये इसी ने जन्म दिया macroeconomics को, case study को, नए subject को। तो इसमें क्या अलग था इस sector, इस study macroeconomics में, कि इसने जो है सारी economy को entirely study किया।
एसएन पहले क्या था, हमने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स था, उसने कहा था भैया एक चीज को स्टडी करते थे, तो उससे हम इकोनॉमिक का अंदाजा नहीं लगा सकते, पूरी कंट्री का इकोनॉमी का या फिर एक रीजन की इकोनॉमी का हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इस समय इकोनॉमिक्स के इंडियन अप्रोच ने एग्जामिन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स को जो है एक इंटरडिपेंडेंट देखा कि भाई नहीं, अगर हम किसी एक सेक्टर में ग्रोथ कम होगा या किसी कंपनी में कम होगा या फिर अगर कंजम्पशन कम होगा तो कैसे ना बाकी चीजें अफेक्ट होगी, तो सारी चीजें जो है इंटररिलेट की इस सब्जेक्ट ने। तो यू समय का ये पिक्चर एक तरह से वेलफेयर रिलीफ डिपार्टमेंट। तो इस अगर हम इस किताब को देखें आगे, फिर आगे जो चैप्टर्स इसमें बेसिकली यही है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जिक्र किया गया है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है कि जो बेसिकली वहां पे मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो आपका आपने पिछले में पढ़ा होगा, जो 11th चैप्टर है मेरा वीडियो लेक्चर से, उसमें बताया गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो सकता है एक कैपिटलिस्ट है बेसिकली, और दूसरा होता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, और दोनों को मिला के एक जो इसी में मिक्स्ड है वो है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया में फॉलो होता है, बहुत सारे देशों में फॉलो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि बेसिकली जो है मार्केट फोर्सेस को छोड़ देते हैं, प्राइवेट ओनरशिप होता है सारी चीजों का, प्रोडक्शन का, सब कुछ का, और गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। सोशलिज्म उसी से अपोजिट है, इसमें क्या है प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, बिल्कुल जीरो होती है, गवर्नमेंट ही सब कुछ को कंट्रोल करती है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे कुछ भी हो आपका, ये सारी चीजें जो इसमें गवर्नमेंट देखती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में इन दोनों चीजों का मिश्रण है एक तरह से, इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट जो दोनों साथ साथ काम करते हैं। जैसे कि इंडिया में क्या है, जैसे गवर्नमेंट जो है प्लानिंग करती है, एक बताती है कि भी नहीं हमारा ये लक्ष्य है 10 सालों का 5 सालों का, ये हम इस सेक्टर को है ना बढ़ावा देंगे, और प्राइवेट सेक्टर जो उसके साथ साथ मिल करके इन्वेस्ट करती है, कंपनी बनाती है, प्रोडक्शन करती है। तो कुछ चीजें जो है जैसे कि मान लीजिए पब्लिक हेल्थ है आपका, एजुकेशन है, जो चीज की जरूरत जो वेलफेयर की चीजें हैं पुअर के लिए, वो गवर्नमेंट उसको देती है, जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं देगा क्योंकि वहां पे प्रॉफिट नहीं है, और जो बाकी चीजें हैं जो नॉर्मल चीजें हैं वो बाकी चीजें प्राइवेट सेक्टर उसको देखती है। तो ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उस समय बहुत ज्यादा था, अगर आप देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन समय में तो ज्यादातर देश जो थे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के पास पे थे, एक्सेप्ट जो है यूएसएसआर जो है और क्यूबा और चाइना जो है, ये इन्होंने आपका सोशलिज्म अपनाया, सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाया। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि बेसिकली जैसे मैंने कहा प्राइवेट ओनरशिप होता है मींस ऑफ प्रोडक्शन का, मतलब कि प्राइवेट आपके कंपनी होगी, प्राइवेट प्रोडक्शन होगा आपका, लैंड जो है प्राइवेट हैंड में होगा, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉर सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट। प्रोडक्शन का मेन एम क्या है कि भाई उसको बेचना है सामान को, मैक्सिमम प्रॉफिट, इसका एक मुद्दा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट आना चाहिए। प्राइवेट कंपनी का क्या मतलब है कि भाई हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले, तो इसलिए क्या करना होगा, कॉस्ट घटाना होगा, प्रॉफिट बढ़ाना होगा, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। एंड देयर इज सेल इन परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज, लेबर सर्विसेज जैसे खरीदते बेचते, मतलब कि जो वेज लेबर को जो आप इंगेज करते हैं अपने इंडस्ट्री में रखते हैं, तो सेल इन परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज एक वेज रेट पर उसको खरीदा बेचा जाता है। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक फीचर है सारे। तो उस समय जो था ग्राथ इकोनॉमी जो कैपिटलिस्ट थी, इसमें एंटरप्रेनर हो गया, एंटरप्रेनर वो हो गया जो कि जो बिजनेस सेटअप करता है, जैसे कि आपके कंपनी का मालिक आप कर सकते हैं, आज के समय में आप कर सकते हैं, स्टार्टअप जो बहुत सारे आते हैं तो उसमें हम एंटरप्रेनर करते हैं उनको। तो एंटरप्रेनर इनका मेन एम क्या होता है कि भाई हमें हमने कंपनी सेटअप की है, प्रॉफिट कैसे उसमें लाया जाए। कैपिटल क्या होगा, कैपिटल होगा बेसिकली जो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में, कैपिटल को कंपनी रन करने के लिए आपको कुछ पैसा चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए, तो वो जो है उससे कैपिटल होता है, उससे कैपिटल करते हैं। कैपिटल जो बेसिकली आज के समय में देखें तो बैंक से हम लेते हैं, लोन लेते हैं, बहुत सारे जो कंपनी मालिक है वो बैंक के पास जाते हैं, भाई हमें लोन दीजिए, हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम ये कंपनी लगाना चाह रहे हैं, तो ये कैपिटल होगा जिसके लिए हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इनपुट कुछ आप करोगे कंपनी में उसके बाद उसका आउटपुट निकलेगा सामान का। जैसे मैंने कहा गारमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या है, हमने भाई कॉटन डाला अंदर में तो हमें टेक्सटाइल मिला, अंदर बाहर से कपड़ा मिला। उसके अलावा इसमें क्या है और लेबर हो गया, लेबर जो हो गया जैसे कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज जो है लोगों को हायर करते हैं, मशीन चलाने के लिए कुछ चाहिए, या फिर जो माली मैनुअल काम है, या फिर मैनेजरियल काम भी जो होता है आपका, जो सीए अपॉइंट होते हैं, मैनेजर अपॉइंट होते हैं उसमें, तो ये सारी चीजें जो क्लर्क हो गया, ये सारी चीजें जो आपका लेबर बहरा, ये लेबर हो गया जिसके लिए हम जिसके लिए कंपनी जो है वेज देती है उनको और सैलरी देती है। ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है,
उसके बाद रिवेन्यू हो गया, रिवेन्यू क्या जो आपको कंपनी ने सामान जो बेचा उससे जब प्रॉफिट आया या पैसा आया वो रिवेन्यू हो गया, रिवेन्यू में टोटल आपको जो कितना पैसा आया, और पैसे से अगर हम उसका कॉस्ट निकाल दें, कॉस्ट क्या क्या आपको होगा, एक आपने रेंट दिया जमीन का, उसके बाद है ना आपने जो कैपिटल लोन लिया था बैंक से उसका इंटरेस्ट आपने दिया, जो आपने आदमी हायर किए थे वर्कर हायर किए थे उसको आपने वेजेस दिया, और एक प्रॉफिट सबको छोड़ करके जो बाकी बचा वो प्रॉफिट हो गया जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने पास रखता है। तो ये सारी चीजें जो है बिजनेस का या इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है भाई। इसमें आपने ना आपका जो है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया आपका कैपिटल, फैक्टर प्रोडक्शन होता है जिसके कारण जो जरूरी है प्रोडक्शन के लिए, तो कैपिटल हो गया आपको लोन या पैसे चाहिए, लैंड हो गया जहाँ पे आपको है ना लैंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जो बाकी रिसोर्सेज है, लेबर चाहिए आपको, और एंटरप्रेन्योर, ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। और बहुत सारे कंट्री में जैसे मैंने कहा कैपिटलिस्ट हो गया, दूसरा आपको सारे कंट्री में क्या होता है कि वेज लेबर नहीं होता है, जैसे एग्रीकल्चर में आज भी हम देखें अगर गाँव में तो बहुत सारे खेतों में एग्रीकल्चर जहाँ पे वहाँ पे जो घर वाले ही वहाँ पे अपने खेतों में काम करते हैं कटाई बुनाई, वो किसी को हायर नहीं करते हैं, तो उस चीजों को हम करते हैं बेसिकली, वो जो आपका कैपिटलिस्ट नहीं होता, वेज लेबर इंक्लूड नहीं होता है। और बहुत जगह आप देखेंगे कि जो सामान है क्योंकि छोटा खेत होता है जनरली, वो जो प्रोड्यूस करते हैं खेत में जो उनका उपज होती है वो खुद खाते हैं, उसको ज्यादा उपज नहीं होता, ज्यादा उपज होती है तो वो बेचते हैं मार्केट में, अदरवाइज जो बाकी कंज्यूम हो जाता है। तो ये बहुत सारी अलग अलग इकोनॉमी भी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आपने देखा तो ज्यादातर देशों में है। तो बहुत सारे देशों में से मैंने कहा कि सोशलिज्म जैसा हो गया आपका, बहुत सारे इंडिया में भी ऐसे की गवर्नमेंट भी है। तो अगर हम किसी इकोनॉमी में देख रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेसिकली चार मेजर सेक्टर होते हैं, एक हो गया हाउस होल्ड किसी इकोनॉमी में हाउस होल्ड, दूसरा हो गया बिजनेस जो का फॉर्म हो गया आपका, तीसरा हो गया गवर्नमेंट, और चौथा हो गया आपका एक्सटर्नल सेक्टर जो इसमें दूसरे देश हो गए आपके। ये चार जो मेजर सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में माइक्रो इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से, तो इसी को हम डिटेल में देख रहे हैं चैप्टर वीडियो। तो पहला जो हमने देखा यहाँ पर फर्म हो गया, कंपनी हो गई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जैसे कि उसका मेन एम क्या है कि प्रॉफिट कमाना, उसके लिए उन्होंने लेबर हायर किया, उन्होंने लोन लिया बैंक से, उन्होंने लैंड जमीन ली, रेंट पे लीज पर जमीन ली, तो ये सारी चीजें हो गई एक फर्म का। दूसरा जो सेक्टर आपका गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट क्या करती है भाई, गवर्नमेंट का काम है कि भाई लॉ बनाना कानून बनाना कि जो सारे फॉलो करे, उसको इन्फोर्स करना, जस्टिस देना भाई किसी को भी, गरीब हो अमीर हो कैसा भी हो, बिजनेस हो पैसा वाला कुछ भी, उसको जो है सही लोग हर लोगों को बराबर न्याय मिले, जो वेलफेयर किसी गरीब पे पता पैसा नहीं पहुंचा तो उसको वो देना। जैसे मैंने कहा कुछ सेक्टर जैसे इंडिया में क्या है जो जिस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करते थे, स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल चलाए हैं, आरटी उन्होंने किया भाई कि नहीं बच्चों को जो गरीब बच्चे पढ़ाई का अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए शिक्षा दी जाए, हेल्थ केयर सर्विस देना आप देखते हैं, आपका आयुष्मान स्कीम जो आपका गवर्नमेंट का, तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट का काम है कि कैसे वेलफेयर ऑफ द पीपल हो। उसके बाद तीसरा सेक्टर इकोनॉमी का आपका है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर हो सकता है आपका एक इंडिविजुअल हो गया या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से घर में हम रहते हैं, तो ये जो बेसिकली सेक्टर का क्या काम है, ये हम सेक्टर आपका कंजम्पशन जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का, कंजम्पशन वो बहुत ही कुछ डिपेंड करता है हाउस होल्ड सेक्टर पे। सेविंग जो है हाउस होल्ड सेक्टर करता है जिसको कि गवर्नमेंट अपना या यूज करती है लोन देने में, जैसे बैंक मन से करते हैं उसी पैसे का जो लोन जो है बैंक जो है कंपनियों को देती है इकोनॉमी चलाने के लिए या बैंक गवर्नमेंट को देती है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी का ये भी। असल कंसिस्ट ऑफ पीपल दिस पीपल, ये जो लोग हैं ये किसी कंपनी में काम करते हैं या गवर्नमेंट में काम करते हैं, वहाँ से उनको सैलरी मिलती है, वेजेज मिलता है जिसको वो खर्च करते हैं, फिर इकोनॉमी में टैक्स देते हैं, तो एक सारे जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर एक तरह से इकोनॉमी का। चौथा और लास्ट सेक्टर जो आता है बेसिकली एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर जैसे कि हमारा देश है इसके साथ जो बाकी जो जिसमें जुड़े हुए हैं ये एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, जैसे हम कुछ गुड्स हम देखते हैं एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, हम जो अपने देश में बनाते हैं दूसरे जैसे देशों में हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं बेचते हैं समुद्र के जरिए या एयरलाइन के जरिए इसको भेजा जाता है, वहाँ पर बिकता है, वहाँ से मेरे पैसा आता है। इम्पोर्ट हम बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ बना नहीं सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सबसे पेट्रोलियम जो हमारे देश में पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो आपका है, गोल्ड हम इम्पोर्ट करते हैं, कोल हम इम्पोर्ट करते हैं,
मतलब कि सारी चीजें जो है बहुत सारी चीजें जो हम इम्पोर्ट करते हैं, जो हमारे पास कम है, हमारी इकोनॉमी में ज्यादा चाहिए, हमें इसको कम में और चाहिए, तो हम दूसरे देशों से इम्पोर्ट करते हैं, इसके लिए हम उसे कुछ पैसा चुकाते हैं। ये एक्सपोर्ट हो गया, इम्पोर्ट हो गया, कैपिटल भी बहुत सारा। अभी जो है जैसे जैसे इकोनॉमी खुलती है, पहले इकोनॉमी हमारी काफी बंद थी, जैसे जैसे खुला हम बाहर के देशों से भी हम लोन लेते हैं, कैपिटल आता है एफडीआई के लेवल, एफडीआई के थ्रू, एफआईआई के थ्रू, ये सारी चीजें जो है हम हमें बाहर से मिलती। बहुत सारे बहुत बार जो देश में हमें पैसा नहीं मिल पाता है या फिर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हाई रहता है, तो ये सारी चीजें हम फॉरेन सेक्टर से लेते हैं। ये बेसिकली चार सेक्टर है इकोनॉमी के, माइक्रो इकोनॉमी भी पॉइंट से, इसी को हम आगे देखेंगे अगले चैप्टर्स में, और कैसे हम इकोनॉमी को मेजर करेंगे, कैसे हम इंडिविजुअल का क्या रोल है, ये सारी चीजों को हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो यही है फ्रेंड्स इस पहला चैप्टर आपका। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें चैनल को, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।